नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G62 5G वर्सेस Samsung Galaxy A4 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Moto G62 5G में 6.37 इंच जबकि Samsung Galaxy A4 में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Moto G62 5G में 2.91 इंच जबकि Samsung Galaxy A4 में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Moto G62 5G में 184 ग्राम्स जबकि Samsung Galaxy A4 में 195 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Moto G62 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Moto G62 5G में IPS LCD जबकि Samsung Galaxy A4 में LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Moto G62 5G में 1080x2400 और Samsung Galaxy A4 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Moto G62 5G में 85.31% जबकि Samsung Galaxy A4 में 80.75% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Moto G62 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि Samsung Galaxy A4 में 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Moto G62 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Samsung Galaxy A4 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Moto G62 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Samsung Galaxy A4 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Moto G62 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Samsung Galaxy A4 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Moto G62 5G में Adreno 619 जबकि Samsung Galaxy A4 में Mali G52MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Moto G62 5G में Qualcomm Snapdragon 695 और Samsung Galaxy A4 में Samsung Exynos 850 मिलता है। बात करें RAM की तो Moto G62 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि Samsung Galaxy A4 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Moto G62 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Samsung Galaxy A4 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Moto G62 5G में अप टू 1TB जबकि Samsung Galaxy A4 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Moto G62 5G में 2 कलर्स जबकि Samsung Galaxy A4 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
मोटो G62 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें सैमसंग गैलेक्सी A4 की, तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटो G62 5G में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी A4 की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में मोटो G62 5G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में मोटो G62 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M33 5G है, दूसरा iQOO Z6 5G है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी F23 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A76 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।